दोस्तों, जो हमारा MCB होता है वो एक ही सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि हमारे पास एक MCB हो गया, उस पर रेटेड एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कारण से, तो इस MCB में लगा हुआ जो मेटालिक डिस्क होता है वो ट्रिप डाउन हो जाता है और सर्किट कट जाती है। मतलब ये कि जो हमारा MCB है उसका एक लिमिट होता है कि इस MCB से इतना ही करंट फ्लो हो सकता है। इससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर जो मेटालिक डिस्क लगा हुआ है वो गर्म होता है और ट्रिप डाउन हो जाता है। हमारा MCB है उसको गिरने के, ट्रिप डाउन होने के दो वजह होते हैं, या तो फिर शॉर्ट सर्किट से हो सकता है या फिर ओवरलोड से हो सकता है। जब वायर में शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है कि करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है MCB से, और MCB के अंदर जो हमारा मेटालिक डिस्क लगा होता है वो गर्म होता है और ट्रिप डाउन हो जाता है। और ओवरलोड में जनरेटेड जो एम्पियर का MCB होता है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो हमारा MCB ट्रिप डाउन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो MCB होता है वो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से बचाता है। किसी भी कारण से हमारे घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे हमको MCB बचाता है, हमारे इलेक्ट्रिक उपकरणों को MCB बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो MCB है इसके भी कुछ टाइप है। आप कभी दुकान पर जाते होंगे MCB को ख़रीदने के लिए तो आप देखे होंगे उस पर लिखा होता होगा C10, B10, D10, K20, Z20। दोस्तों, ये C10 B10 जो है ये हमारे रेटेड करंट है, तो इसको तो ऐसे लिखना चाहिए 10 एम्पियर। लेकिन ये C, B और D, K, Z ये टाइप आखिर क्या होते हैं, इस छोटे से 5 मिनट के वीडियो में हम इसको समझ जाएंगे कि ये कैटेगराइज क्यों किया गया है। इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि ये जो जितने भी MCB हैं, जेड टाइप, के टाइप, डी टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ये सब काम एक ही सिद्धांत पे करते हैं। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप डाउन हो जाएंगे। फिर इनको कैटेगराइज क्यों किया गया है, तो इनको कैटेगराइज इसलिए किया गया है कि जो हमारा MCB होता है वो किसी कारण से जब ट्रिप डाउन होता है तो उसमें कुछ कितना टाइम तक वो रुकता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये हमारा एक फ्रिज है, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया हुआ है। अब हमारा जो MCB है वो ट्रिप डाउन होगा तो ये कुछ ओवरलोड होगा या फिर इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे हमारा MCB क्या होगा, ट्रिप डाउन होगा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होगा तो कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है और कितना टाइम में ट्रिप हो रहा है, यानी जो MCB ट्रिप होता है तो उसका ट्रिपिंग टाइमिंग और फ्लो ऑफ करेंट, इन दोनों के अनुसार हम क्या करते हैं, MCB को कैटेगराइज कर देते हैं। दोस्तों, आप समझ गए, कोई भी MCB जो होगा वो तो ट्रिप होगा, और कितना देर में ट्रिप कर रहा है और कितना एम्पियर लेने के बाद ट्रिप कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, MCB को कैटेगराइज कर देते हैं इस टाइप में, सी टाइप, बी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप में। दोस्तों, अब देखना ये है कि सी टाइप का जो MCB है वो कितना देर में ट्रिप करेगा और कितना एम्पियर लेने के बाद ट्रिप करेगा, और बी टाइप का MCB है वो कितना देर में ट्रिप करेगा और कितना एम्पियर लेने के बाद ट्रिप करेगा, तो उसको देखते हैं। दोस्तों, जितने MCB के टाइप होते हैं, हमने इसको कॉपी पर लिख दिया है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। यहाँ पर लिखा है TT यानी ट्रिपिंग टाइम कितना होगा MCB का, और यहाँ पर फ्लो ऑफ करेंट कितना करेंट फ्लो करेगा तो कितना टाइम में वो MCB ट्रिप कर जाएगा। दोस्तों, इस MCB का ट्रिपिंग टाइमिंग और फ्लो ऑफ करंट को समझाने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये बी टाइप, सी टाइप जितने भी MCB हैं सब 10-10 एम्पियर के हैं। जो हमारा बी टाइप का MCB है 10 एम्पियर का, उससे 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे कि 10 एम्पियर का है तो 30 से 50 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो यह बी टाइप का MCB 0.04 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड के अंदर ट्रिप डाउन हो जाएगा। यानी बी टाइप का MCB है वो 10 एम्पियर का है, और 3 से 5 गुना यानी 10 एम्पियर का है तो 30 से 50 गुना ज़्यादा एम्पियर फ्लो होगा। तो यह बी टाइप की MCB 0.04 से 1 सेकेंड के अंदर ट्रिप डाउन हो जाएगा। और वैसे हमारा जो सी टाइप का MCB है, इससे 5 से 10 गुना करंट, सी टाइप की MCB 10 एम्पियर की है तो 10 का 5 से 10 गुना कितना हुआ, यानी 50 से 100 एम्पियर अगर फ्लो होगा तो यह MCB 0.04 से ट्रिप डाउन हो जाएगी। दोस्तों, जो सी टाइप की MCB है 10 एम्पियर की है तो इससे 5 से 10 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, यानी 10 एम्पियर की है तो 50 से 100 एम्पियर ज़्यादा जब करंट फ्लो होगा तो यह MCB 0.04 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी। दोस्तों, जो हमारे डी टाइप की MCB होती है, इससे अगर 10 से 30 गुना करंट
ज़्यादा फ्लो होगा। अगर ये 10 एम्पियर के एमसीबी है तो 100 से 300 एम्पियर, जब इससे ज़्यादा फ्लो होगा तो यह डी टाइप की एमसीबी 0.4 से इनके अंदर ट्रिप डाउन हो जाएगी। दोस्तों सब बता देने के बाद से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एमसीबी कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा घर में लगाना चाहिए, कौन से प्लांट में लगाना चाहिए, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों जो हमारा के टाइप का एमसीबी और जेड टाइप का एमसीबी होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है। के टाइप का एमसीबी अगर 10 एम्पियर की है, अगर हमारा के टाइप की एमसीबी 10 एम्पियर की है तो 8 से 12 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। 80 से 120 एम्पियर इससे जब बढ़ के फ्लो होगा तो ये हमारा के टाइप की एमसीबी 0.01 सेकेंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी। और जो जेड टाइप की एमसीबी होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है। अगर जेड टाइप की एमसीबी 10 एम्पियर की है और इस 2 से 3 गुना, या जेड टाइप की एमसीबी 10 एम्पियर की है तो इससे 2 से 3 गुना करंट अगर फ्लो हो रहा है तब भी ये 0.01 सेकंड के अंदर ट्रिप डाउन हो जाएगी। दोस्तों जो एमसीबी होती है बी टाइप की, ये हमारे घरों में यूज़ होती है, ये रजिस्टिव लोड के लिए है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे घर में जो लोड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, रजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड में ये बी टाइप की जो एमसीबी होती है वो अच्छा काम करती है और इसका ट्रिपिंग टाइमिंग और फ्लो ऑफ करंट दोनों बहुत अच्छा होता है, इसलिए घर में हमको बी टाइप के एमसीबी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आप वैसे सी टाइप डी टाइप के भी यूज़ करेंगे तो ट्रिप डाउन तो होगी, लेकिन क्या होगा इसका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है। दोस्तों जो सी टाइप की एमसीबी और डी टाइप की एमसीबी है इसको हम इंडक्टिव लोड में भी हम लगा सकते हैं। इंडक्टिव लोड में जो हमारा फैन हो गया, मोटर हो गया, उसमें हम डी टाइप की एमसीबी को अच्छा से लगा सकते हैं क्योंकि इसका फ्लो ऑफ करंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये 330 से 50, 50 से 100, ये 100 से 300 इतना एम्पियर लेगा तब ये एमसीबी ट्रिप करेगी। तो ये होता है मिली सेकेंड के लिए, एक सेकेंड के लिए, इतना में हमारा मोटर हो गया, ये घर का लोड हो गया, वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि घर में जो हम उपकरण यूज करते हैं उस पर भी लिखा रहता है। उस पर ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेरे पास एक फ्रिज हो गया, ये फ्रिज 6 एम्पियर का है, तो ऐसा नहीं है कि 10 एम्पियर एक सेकंड तक लेगा तो ये फ्रिज खराब हो जाएगा। इसके लिए टाइमिंग चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट तक लेगा तब ये हमारा फ्रिज खराब होगा, उससे पहले हमारा जो एमसीबी होता है वो ट्रिप डाउन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा हाईली सेंसिटिव के टाइप की और जेड टाइप की एमसीबी होती है, इसको हम घर में नहीं लगा सकते क्योंकि माइनर प्रॉब्लम होगा उसे भी बार बार ये ट्रिप डाउन होती रहेगी। इसका यूज हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में करते हैं, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वगैरह में इसको हम लगाते हैं। हमारे यूज़ के लायक ओनली बी टाइप की एमसीबी, डी टाइप की एमसीबी होती है और के टाइप की एमसीबी का और जेड टाइप के एमसीबी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। के टाइप का जेड टाइप का जो एमसीबी होता है इसका ज़्यादातर यूज होता है सेमीकंडक्टर में, ट्रांजिस्टर में या चार्जिंग कंट्रोल में इसका यूज होता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।